तब्बू सुबह सवेरे में आपका स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। हुतुतु में आपका बेहतरीन किरदार देखने को मिला, लेकिन जब आपने इसकी स्क्रिप्ट सुनी थी तो आपको कैसा लगा था? रोल मुझे सच पूछिए तो बहुत मुश्किल लगा था, और सच ये भी है कि अब तक जितने भी किरदार मैंने अदा किए हैं, जितने भी रोल्स मैंने किए, उनमें से सबसे मुश्किल मुझे हुतुतु का ही अभी भी लगता है। मुझे अभी भी लगता है कि मैं उसे बेहतर तरीके से निभा सकती थी, और क्योंकि इट वाज नॉट अ सिंपल एंड स्ट्रेट रोल कैरेक्टर जो था लड़की का, उतनी सीधी और सरल लड़की नहीं है, उसमें बहुत सारे शेड्स थे, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज थे कैरेक्टर की। तो मैं एक्चुअली तो पहले डर गई थी रोल सुन के, बट क्योंकि मुझे मालूम था कि गुलजार साहब हैं। हुतुतु का किरदार बनना आपके अपने किरदार से बिल्कुल अलग है, तो क्या आपको इसको करने में मुश्किल हुई थी? मुझसे क्या ये काफ़ी मतलब जो जनरल लड़की है उसी से काफ़ी जुदा है, सिर्फ मुझसे नहीं, जो हम मतलब नॉर्मल तरीके से आम तौर पर लड़कियों को देखते हैं, जिस जो कैरेक्टर होता है लड़की का आम तौर पर, उसी से काफ़ी जुदा है, तो इसलिए शायद मुझे और भी मुश्किल लगा ये रोल, और मुझे डेफिनेटली ये सोचना पड़ा कि क्यों ऐसे है, वो ऐसे क्यों बिहेव करती है, और काफ़ी सारी चीज़ें मतलब जो गुलजार साहब ही समझा सकते थे मुझे, वो उन्होंने ही समझाई मुझे, उन्होंने ही क्लियरली बताया कि क्यों ये लड़की ऐसे बिहेव करती है, ये इस वक्त ये लफ्ज क्यों इस्तेमाल कर रही है, ये सेंटेंस क्यों बोल रही है, इस तरह क्यों चल रही है, या इसका माइंड सेट क्या है। मैचेस और हुतुतु आपने दोनों ही गुलजार साहब के साथ की, तो गुलजार साहब का आपकी ज़िंदगी में क्या स्थान है? गुलजार साहब का और मेरा जो रिश्ता है, उसकी सबसे बेहतरीन बात शायद यही है कि वो बहुत कुछ है मेरे लिए, सिर्फ गुरु नहीं है, सिर्फ एक डायरेक्टर नहीं है, सिर्फ एक डायरेक्टर तो बिल्कुल नहीं है, वो मेरे डैडी हैं, मेरे गुरु बहुत, इन मेनी वेज ही इज़ माय गुरु। तक्षक में गोविंद निहलानी के साथ काम करके क्या कुछ सीखने को मिला? गोविंद जी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस बहुत ही बहुत अच्छा रहा, बहुत इंटेंस रहा, और गोविंद जी का स्टाइल है परफेक्शन, वो जब तक उन्हें कोई चीज़ परफेक्ट नहीं लगती, चाहे वो एक्टिंग हो या चाहे उनकी लाइटिंग हो या कैमरा की मूवमेंट हो, जब तक उन्हें परफेक्ट नहीं लगता वो शॉट ओके नहीं करते। और गोविंद जी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि उनको उन्हें काम के सिवा और कुछ नहीं सोचते। आपके आने वाली फिल्म है हम साथ साथ हैं, तो उसमें काम करके आपको कैसा लग रहा है? बिल्कुल फैमिली के जैसा ही होता है, और मैं ये सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, बट आई रियली मीन इट, और मतलब वक्त कैसा बीत जाता है, कैसी फिल्म ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है हमें खुद नहीं मालूम हुआ, और मैं ऑलरेडी मुझे लग रहा है कि हम इस ये फिल्म ख़त्म होने के बाद हम बहुत मिस करेंगे एक दूसरे को, और इस फिल्म को मिस करेंगे, क्योंकि इतने सारे लोग मुश्किल से मतलब आप ऐसी फिल्में करते हैं जिनमें इतने सारे लोग एक साथ जमा होते हैं, इतने सारे हर सीन में आप साथ हैं, हर गाने में आप साथ हैं, और जिस तरह की ये फिल्म है, जिस कस्म के सीन्स हम कर रहे हैं, तो उसमें इतनी हारमोनी है और इतना प्यार है और इतनी मतलब प्रेम भावना से भरी हुई है पूरी फिल्म, कि वो अपने आप ऑटोमेटिकली पूरा एटमोसफियर और पूरा समा ऐसे हो जाता है। तब वो आपके हिसाब से आइडियल करियर ग्राफ क्या है? आइडियल करियर ग्राफ मुझे लगता है हर आर्टिस्ट के लिए, हर कलाकार के लिए यही होगा कि उसे अपनी पसंद का काम करने को मिले, अपनी इच्छा का काम करने को मिले, जिससे वो अपनी पूरी क्षमता के साथ कर पाए, और अगर वो कर सके तो आई थिंक वही आइडियल करियर। क्या एक्टिंग करने से आप में कोई बदलाव आए हैं? क्या आप ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हो गए हैं? एक्टिंग खास तौर पे नहीं, मगर
आई थिंक फिल्म इंडस्ट्री में काम करने से काफ़ी चेंज मुझ में आया है, जो अच्छा है मुझे लगता है. आई हैव बिकम मोर आउटगोइंग, पहले जैसी नर्वस नहीं हूँ, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया है अपने आप में, काम में नहीं बट अपने आप में जनरली. मतलब अब मैं बोल पाती हूँ लोगों से, पहले मैं बिल्कुल बोल नहीं पाती थी, बोलती ही नहीं थी, बात ही नहीं करती थी, बट अब मुझे इतना डर नहीं लगता. मैं बहुत डरती थी पहले, तो अब मुझे इतना डर नहीं लगता है, अब थोड़ा सा मतलब बोल्ड हो गए. तब वो सुबह सवेरे हम लोगों से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच एंड होप यू हैव अ वेरी गुड डे टुडे. बाय.